सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। वापसी की स्थिति 2024 पीएसीएल भुगतान नाम सूची और संपर्क नंबर, इसे न्यू सरप्राइज ने प्रकाशित किया है। अंतिम अपडेट 26 अक्टूबर 2024 9:30। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आर एम लोधा समिति, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत सेबी द्वारा स्थापित की गई है, पीएसीएल लिमिटेड की संपत्तियों के परिसमापन की निगरानी करती है। समिति का उद्देश्य उन निवेशकों को रिफंड प्रदान करना है जिन्होंने पीएसीएल लिमिटेड में निवेश किया था। फिलहाल समिति ने उन आवेदनकर्ताओं के लिए भुगतान प्रक्रिया पूरी कर ली है जिनके दावे 19,000 रुपए तक हैं। हालांकि इस सीमा के भीतर कुछ आवेदन असंगतियों के कारण लंबित हैं। पहले निवेशकों को उनके दावों की स्थिति देखने और असंगतियों को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया था https://www.sebipclrefund.co.in। 15,000 रुपए से 17,000 रुपए के दावों वाले निवेशकों को 15 जून 2023 से 14 सितंबर 2023 के बीच असंगतियों को ठीक करने का अवसर दिया गया था। 14 मार्च 2024 से समिति 19,000 रुपए तक के दावों वाले निवेशकों को समान अवसर प्रदान कर रही है। 19,000 रुपए तक के दावों वाले निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे https://www.sebipclrefund.co.in पर जाकर अपने दावे की स्थिति की पुष्टि करें और किसी भी पहचानी गई असंगतियों को ठीक करें। ये सुविधा 14 मार्च 2024 से 13 जून 2024 तक उपलब्ध रहेगी। पीएसीएल रिफंड स्थिति ऑनलाइन जांच 2024। एक, सेबी की आधिकारिक वेबसाइट खोलें, योजक चिन्ह www.sebi.gov.in। दो, होम पेज पर अनुसंधान विकल्प ढूंढें और क्लिक करें। तीन, अपना विशिष्ट पीएसीएल प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करें। चार, दिखाए गए कैप्चा कोड को भरें। और पांच, स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा जो सबमिशन की पुष्टि करेगा। सेबी पीएसीएल रिफंड आवेदन प्रक्रिया। एक, पंजीकरण। sebipclrefund.co.in पर जाएं। अपना खाता बनाने के लिए साइट पर पंजीकरण करें। अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा और पासवर्ड दर्ज करें। दो, लॉगिन। अपने पीएसीएल पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। तीन, व्यक्तिगत विवरण भरें। अपना नाम, पैन नंबर आदि प्रदान करें। चार, दस्तावेज अपलोड करें। अपने पीएसीएल प्रमाण पत्र, पीएसीएल रसीद, बैंकर सत्यापन पत्र और सैंपल कैंसिल चेक जैसे दस्तावेज अपलोड करें। पांच, समझौता। अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची की समीक्षा करें और मैं सहमत हूं बॉक्स पर क्लिक करें। छह, पुष्टि। सबमिशन के बाद एक पुष्टि संदेश प्राप्त करें। सात, सूचना। अपनी पंजीकृत मोबाइल संख्या पर सेबी से कानूनी सूचना का इंतजार करें। आठ, फोन नंबर अपडेट करें। यदि आपको अपना फोन नंबर अपडेट करने की आवश्यकता है तो इन चरणों का पालन करें। sebipclrefund.co.in पर जाएं और अनुसंधान पर क्लिक करें। अपनी पीएसीएल प्रमाण पत्र संख्या और कैप्चा दर्ज करें। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आइकन पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर, नया मोबाइल नंबर, कैप्चा दर्ज करें और ओटीपी उत्पन्न करें पर क्लिक करें। प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें। सफल सत्यापन के बाद अपडेट की पुष्टि करने वाला एक संदेश दिखाई देगा। 9, आवेदन की स्थिति जांचें। अपना आवेदन की स्थिति देखने के लिए अनुसंधान बटन पर क्लिक करें। अपनी प्रमाण पत्र संख्या और कैप्चा दर्ज करें। 10, मूल प्रमाण पत्र भेजें। सेबी से एसएमएस प्राप्त करने के बाद अपने पीएसीएल प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट करें। सेबी भवन, प्लॉट नंबर ए जी ब्लॉक, बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा,
पूर्व मुंबई 4,51,000। 11 SMS सूचना जांचें। ये जांचने के लिए कि सेबी ने आपके पंजीकृत नंबर पर कोई SMS भेजा है या नहीं, इन चरणों का पालन करें। अनुसंधान विकल्प पर जाएं। अपने PACL प्रमाण पत्र संख्या और कैप्चा दर्ज करें। आपको भेजे गए SMS की स्थिति प्रदर्शित होगी। और 12 रिफंड प्रोसेसिंग। आपका रिफंड सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के कुछ दिनों के भीतर प्रोसेस हो जाएगा। PACL भुगतान नाम सूची। PACL का मतलब पल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसकी स्थापना